आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 4 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक का दर्द बाहर आया है। पाटन से सीनियर बीजेपी एमएलए अजय बिश्नोई ने ट्वीट के जरिए अपना असंतोष जाहिर किया है। अजय बिश्नोई इससे पहले भी शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर अपना दर्द जाहिर कर चुके हैं। बता दें कि रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया था। इसमें केवल तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को जगह मिली। दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी 1 अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफॉर्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे। राज्य शासन ने मंत्रालय वल्लभ भवन प्रांगण में स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्रियों की अर्ध प्रतिमा लगाने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह अंतर विभागीय समिति स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्रियों की फोटो के चयन और प्रतिमा के प्रोटोटाइप के अनुमोदन सहित अंतिम रूप देने की अनुशंसा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को देगी। समिति के सदस्यों में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमुख मुख्य वास्तुविद एपको, अधीक्षण यंत्री राजधानी परियोजना प्रशासन और मध्य प्रदेश माध्यम की ओर से एक प्रतिनिधि शामिल है। समिति में कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग क्रमांक 2 राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश के सिवनी जिले के 206 ग्रामों में रहने वाले परिवारों को आगामी मार्च 2021 के उपरांत नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में संजय सरोवर बांध में 232.57 करोड़ रुपए की लागत से बंडोल समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजना का कार्य पूर्ण होते ही 1,81,462 ग्रामीण आबादी को जलापूर्ति की जा सकेगी। बंडोल समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत संजय सरोवर बांध में इंटेक वेल जल शोधन संयंत्र क्षमता 22.79 मिलियन लीटर प्रतिदिन, 133 उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण, 1534 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जल प्रदाय योजना में शामिल विकास खंड में ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के लिए इस जल प्रदाय योजना का करीब 71% कार्य हो चुका है और योजना में रहे शेष कार्यों को मार्च 2021 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण कार्य में गतिरोध आया था, जिसे ज्यादा श्रमिक और मशीनें लगाकर त्वरित गति से निर्धारित समय में अब पूरा किए जाने का प्रयास जारी है। हमीदिया अस्पताल की 2000 बिस्तर वाली नई बिल्डिंग के काम में अड़ंगा बने हवा महल को गिराया जाएगा। इस काम में रोड़ा पैदा करने वाले
लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को हमीदी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कही। भूतल से लेकर 11 मंजिल तक अलग अलग सुविधाएं हवा महल के चलते रुकी हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के 59 बिस्तर, आपातकालीन सीढ़ियां, स्टोर का काम प्रभावित हो रहा है। मंत्री 3 दिन के भीतर दूसरी बार हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री ने बताया कि पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। इस भवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे गिराया नहीं जा सकता। बता दें कि 2016 में नए अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने भवनों को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्थल बता दिया था। इसके बाद इस भवन को तोड़ने का काम रोक दिया गया था। अब अस्पताल का काम इस साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस भवन के चलते कई जरूरी काम रुके हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अभी कोरोना प्रतिरोधक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के समस्त जिले कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। पहले हम प्रायोरिटी ग्रुप्स का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे और बाद में मेरा वैक्सीनेशन होगा। इंदौर की लोहा मंडी में रविवार रात आगजनी की घटना हुई। कासानी परिसर में स्थित गोडाउन में आग लगी। आग ने समीपस्थ गोडाउन को भी अपनी चपेट में ले लिया। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग में बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। फायर ब्रिगेड के अनुसार शंकर बाग स्थित कासानी परिसर में 4-5 गोडाउन है। इनमें से चिराग जैन के अरिहंत सेल्स के गोडाउन में आग लगी। गोडाउन में कृषि से जुड़े उपकरण और पाइप थे जो आग की भेंट चढ़ गए। सबसे पहले पाइप ने आग पकड़ी जो इतनी तेजी से फैली कि उसने पड़ोस के गोडाउन को भी अपने आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची। चूंकि कासानी परिसर में जाने के लिए रास्ता काफी सकरा है, इसलिए फायर गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। आग बुझाने के लिए करीब 25 टैंकरों की मदद ली गई। अभी नुकसानी का पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर में वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर गए कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर कचरा फेंके जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी व्यक्त की है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन से सवाल जवाब किए। सीएम ने पूछा कि वेतन देने में इतना विलंब क्यों हुआ। आप कमिश्नर हैं, शहर में स्वच्छता कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके सामने सड़कों को कचरा फेंका जा रहा है, यह सहन करने लायक नहीं है। सीएम बोले, अब बहुत हो गया। उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कहा, इनकी छुट्टी कर दो। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों के कमिश्नर से कहा है कि यह सुनिश्चित कर लें कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि वेतन नहीं मिलने के कारण ग्वालियर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रविवार को उन्होंने कचरा सड़कों पर फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर रविवार को सीएम कार्यालय से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिए थे कि कर्मचारियों का वेतन कराए ताकि सफाई व्यवस्था बहाल हो सके। बावजूद इसके कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी व्यक्त की है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक जो मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उमरिया जिले के आकाशकोट के 25 से ज्यादा गांवों में पानी का संकट सालों से है। इस संकट का समाधान सरकार भी नहीं कर पाई, लेकिन इनमें से कुछ ग्रामीणों ने अपनी इच्छा शक्ति से इस बड़ी समस्या को परास्त कर दिया। न सिर्फ पुराने बिगड़े 8 कुओं को उपयोगी बना डाला, बल्कि 10 नए कुएं भी बना दिए। इतना ही नहीं, जो तालाब बेकार हो गए थे उन्हें भी पुनर्जीवित कर दिया। श्रमदान से समाधान की यह कहानी उन गांवों की है जहां के लोग कभी पानी के लिए फरियाद लेकर जिला प्रशासन की चौखट पर फरियाद करते रहते थे। कोरोना काल में काम बंद था और पानी का बड़ा संकट था। गांव के लोगों ने सोचा खाली समय में कुछ ऐसा करें कि पानी का संकट भी खत्म हो जाए। ग्रामीणों के इस काम में जेनिथ यूथ फाउंडेशन और सामाजिक कार्यकर्ता ने ताकत दी और फिर तस्वीर बदलने की मुहिम ग्रामीणों के श्रमदान से शुरू हो गई। जुलाई माह से शुरू हुए इस काम को दिसंबर के अंत में मुकाम मिल गया। इसमें किसी ग्रामीण ने 25 दिन, किसी ने 15 दिन और किसी ने 1 माह काम किया।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 4 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 5 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।